अगर आपको भी मेरी तरह सुपर क्रिस्पी ब्रेड रोल पसंद है तो आप ये देखो, है ना, बहुत ही क्रिस्पी। और ये आवाज़ें मैंने फ्राई करने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद। तो फिर इसको एक बार बनाना तो बनता ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब बारिश का सीजन है और कुछ गरम गरम खाने का मन तो करता ही है, तो गरम गरम ब्रेड रोल मिल जाए और वो भी बहुत ही क्रिस्पी हो तो कुछ बात हो ना। तो इस रेसिपी में मैंने आपको सिंपल ब्रेड रोल तो बताए ही है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि उनको सुपर क्रिस्पी कैसे बनाए। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड रोल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ही सामान चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 2 उबले हुए आलू, हरी मिर्चे, धनिया, अदरक और 1 प्याज। प्याज, अदरक, धनिया, मिर्चों को आप एकदम फाइनली चॉप कर देना। और जो उबले हुए आलू हैं उनको आपने छिल के मैश करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने बोल में आलू लिए हैं और उनको अच्छे से मैश कर दिया है। तो बस अच्छे से मैश करने के बाद आपको यहाँ पर हमारी सारी कटी हुई चीज़ें डालनी है, जैसे कि हरी मिर्चे, धनिया, अदरक, प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप यहाँ पर प्याज मत डालना। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाली है लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी अपने हाथों में मैंने क्रश करके अजवाइन डाली है। सुबह सुबह के नाश्ते में अजवाइन होना तो बहुत ज़रूरी है, पेट के लिए भी काफ़ी सही रहता है। तो बस आप इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाओ और आपके आलू का मसाला इतनी स्पीड में, इतनी जल्दी पूरा तैयार है। अगर आप इस आलू के मसाले में कोई भी और अलग चीज़ डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे कि काली मिर्च, काला नमक या जो भी आपकी इच्छा हो आप वो डाल सकते हो। अच्छा, ब्रेड को देख लेते हैं। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है, आप चाहो तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। ब्रेड के मैंने यहाँ पर बस कोने निकाल लिए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ये कोने निकालो ही निकालो, ऐसा नहीं है कि कोने निकाल के ही ब्रेड रोल अच्छे बनते हैं, बिना कोने निकाले भी ब्रेड रोल बहुत ही अच्छे बनते हैं और वही मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो बस एक बोल में आप ले लो काफ़ी सारा पानी और फिर आपने ब्रेड रोल को बहुत ही हल्के से डिप करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना और जितना हो सके इसका सारा पानी निकालना है। इसका सारा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसके बाद आप यहाँ पर रखो बीचों बीच अपने आलू का जो मिक्सचर था वो रखो और इसको एक शेप देने की कोशिश करो। ये देखो आप, अब क्योंकि ब्रेड थोड़ी गीली गीली है तो ये अपने आप ही जुड़ने लग जाती है, अपने आप ही पूरी शेप लेने लग जाती है। तो आप घबराना बिल्कुल भी मत, को बहुत ही आराम से अपने हाथों से एक राउंड शेप देने की कोशिश करना। ब्रेड रोल बनाने में बस आपको एक बात का ध्यान देना है, वो बात ये है कि जब आप इसको पानी में डिप करोगे तो बहुत ज़्यादा डिप बिल्कुल मत करना और पानी बहुत ही अच्छे से निकाल देना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके ब्रेड रोल बहुत ही बेकार बने। और क्योंकि ब्रेड गीली है तो ये बहुत ही आराम से अपने आप ही चिपक जाती है। और अब ये देखो, ये साइड्स वाला, मैंने साइड वाली ब्रेड के साथ भी ब्रेड रोल बनाया है, बहुत ही आराम से बन जाता है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरी मम्मी तो साइड्स को निकाल के ब्रेड के बीचों बीच डाल देती थी। आप चाहो तो आप साइड्स रखना, आप ना चाहो तो आप साइड्स को मत रखना, बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन साइड्स वाले ब्रेड रोल भी बहुत ही आराम से बन जाते हैं, क्योंकि ब्रेड गीली है तो बहुत ही आराम से जुड़ जाती है। ये देखो, और एक एक करके आपके सारे ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ब्रेड रोल बनाने में। अगर आप चाहते हो कि फ्राई करते हुए आपके ब्रेड रोल फटे ना और बहुत ही क्रिस्पी बने, तो वो हम कैसे करें? अब ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसे पानी बहुत कम यूज़ करना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि आपको यहाँ पर ब्रेड रोल बनाने के बाद इन रोल्स को आप सूखने देना, यानी कि इनको आधे घंटे के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मिनिमम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देना, ताकि जो ब्रेड है वो सूखना शुरू हो जाए। जितना पानी का लेवल कम होगा आपकी ब्रेड में, उतने ही क्रिस्पी आपके ब्रेड रोल बनेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, आप बनाते वक्त जितना पानी कम लगाओगे उसके बाद दबा के जितना पानी निकाल पाओगे, और ब्रेड रोल पूरा बनने के बाद फ्राई करने से पहले जितना पानी आप सुखा दोगे उतने ही आपके ब्रेड रोल क्रिस्पी बनेंगे। और फिर 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इनको फ्राई किया है, तो मैंने गैस को रखा है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना, लो फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना, क्योंकि लो में ये तेल पी जाएंगे, हाई में ये बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है और जितने भी ब्रेड रोल आपकी कढ़ाई में आ जाए उतने आप ब्रेड रोल डालें अपनी कढ़ाई में,
और बस इसको ज्यादा ना हिलाएं, हल्के हाथों से हिलाएं और आप फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। है ना, बहुत ही आसान ब्रेड रोल बनाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हटके लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये तो हो गया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड रोल और सच में ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अब आप मुझे बताना कि किस बारिशों के सीजन में आप कौन से पकौड़े देखना चाहते हो, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, प्याज के या स्पेशल टमाटर के पकौड़े, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो और वही रेसिपी जल्द से जल्द डालेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।